कहा है कि ऐसे बुरे फंसे हैं कि नानी याद आ गई, ऐसे बुरे फंसे कि नानी याद आ गई, मम्मी तेरी मम्मी की सारी कहानी याद आ गई। अब देखना पराए शहर में बैठकर बस सांस लिए जा रहे हैं, मम्मी यार तेरे खाने के सपने आजकल दिन रात आ रहे हैं। अब खुद से बनाना पड़ता है ना, तो सोचता हूं मैं कि 2 मिनट आती हूं बोलकर किचन में, ऐसा क्या तो ना करने जाती थी, तो मसाले थे, घी की खुशबू थी, ये तेरे हाथों का जादू। पत्थर भी प्लेट में लेके आती थी ना तो सोना करती थी। अब देख तेरी परवरिश ने क्या हाल कर दी, इस लॉकडाउन ने तो तेरे राजा बेटा को निडाल कर दिया। यार बर्तन मांजने क्यों नहीं सिखाए मां तूने, ये पंखा भी गंदा होता है, ये राज क्यों नहीं बताए मां तूने, हर रोज नए तरह से किचन में आग लगा लेते, हाथ पकड़ के रोटी बेलना क्यों नहीं सिखाया मां तूने, कभी दाल जलाते हैं, कभी सैंडविच बनाते हैं। सोचता हूं कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो अभी भी इन दिनों में अपनी मां के हाथ का खाते। बताना चाहिए था ना कि ठंडी रोटियों पे घी पहलता नहीं है, बताना चाहिए था ना कि 4 दिन पुराना खाना ये बदन झेलता नहीं है, तेरे खाने की खुशबू ना रह रह कर आती, तुझे कभी थैंक यू नहीं बोला ना, ये बात बहुत सताती है। तेरे हाथों में जादू है, दुनिया की बेस्ट इंसान तू ही है, कभी फोन पे तो नहीं बोल पाए पर हां जमीन पर भगवान ना तू ही। ऐसे बुरे फंसे ना कि नानी याद आ गई, मम्मी तेरी मम्मी की ना सारी कहानी याद आ गई।